नीचे उतर, यहाँ बच्चे शहर से आके गांव में मजे कर रहे हैं। देखो हम लोग जा रहे हैं काफल को देखने, पके होंगे लेंगे नहीं तो अपने आप रहा। हेलो जत्ता, कैसे छागे से खींचे बिटू? आपने क्या पकड़ रखा है? काफल ना। तो नैनू और मैं अभी आए हैं, मैं क्या सभी आए हैं हम काफल खाने थोड़ा उस साइड से इधर। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, मैं दीदी के घर गई हूँ। देवलधल से आगे जालीगांव गांव पड़ता है, तो वहाँ गई हूँ। वहाँ की वहाँ लगे हैं चौरास, तो चौरास 4 दिन के होते हैं, तो इसलिए आई थी मैं। 2 दिन हो गए हैं, थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई, और आगे जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी चौरास की जगह जो भी होगा। और एक बार जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, देवताओं को जगाया जा रहा था, इसके बाद देवता नाचेंगे। और देवता नाचने के टाइम की मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, बेशक अगर ये चीज़ें मैंने आपको बना के दिखा दी तो फिर यहाँ देखने कौन आएगा? तो आप लोग आएंगे नहीं देखने, तो वो देखने के लिए आपको यहीं आना पड़ेगा। लेकिन क्या क्या होता है वो तो मैं आपको दिखाऊंगी, फिलहाल चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों काफल टीम काफल देखने के बाद हम सीधे ऊपर आ गए थे, क्योंकि यहाँ रोटी बेलनी थी तो हमें बुला रहे थे, तो हम लोग आ गए। मैं रोटी बेल रही हूँ, दीदी की लड़की यहाँ पे उसे परेशान कर रही है, बनाने दे रही, तो मैंने दीदी से बोला तू वीडियो बना ले। तो यहाँ पे चाची भी गोले बना रहे हैं, मैं बेल रही हूँ। यहाँ पे पंडित जी सेक रहे हैं, तो रोटी तवे में, बड़े तवे में पक रही है, और एक में चावल पक रखे हैं, एक में सब्जी और एक में दाल। तो ये चीज़ें सभी लोग शाम को भगवान जी को भोग लगाने के बाद सभी लोग ये चीज़ें ग्रहण करेंगे। सबसे पहले ढामी और डंगरिया जो होते हैं, जो ढोलक बाजने वाले और जो नाचने वाले होते हैं, वो लोग खाएंगे। रोटी मेन उनके लिए होती है, बाकी लोग जो इतने बैठे हैं, बाकी सभी लोग ये सभी चौरास देखने के लिए या फिर ढोली डंगरिया घर के ही लोग हैं। तो मौसम कुछ इस तरह का है, थोड़ा थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तो रोटी बन रही है यहाँ पे। उतना सा आप इंजॉय कीजिए, बहुत मज़ा आया मुझे, तो बहुत मज़ा आ रहा है अभी भी। तो यहाँ पे तवे में, एक तवे में 4 रोटी सेकी जा रही है, और ये छोटी सी लड़की यहाँ पे अपने खेल कर रही है, देख ही सकते हैं आप। दोस्तों अभी जो मैंने दिखाया था ना, उसमें भगवानों को दोपहर का भोग लगाया गया था, तो इसके बाद देवता नाचते हैं, उनकी वीडियो मैं नहीं बना रही हूँ, नहीं दिखाई, उसके लिए जितना भी दिखा रही हूँ वही है, ठीक है। फिलहाल अब समय है खाना खाने का, तो सभी लोग खाना खा रखा है, खा भी लिया है, कुछ लोगों ने खा लिया, कुछ लोग खा रहे हैं, तो हम लोग भी जाते हैं खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं। खाने में देखिए हमारी 2 कटोरियों में सब्जी और चावल, 2 में दाल है। जहाँ ले अच्छा ना वहीं, सभी लोग फोटो खींच रहे हैं यहाँ पे, खाना पीना खा पी के। मैं वीडियो बना रही हूँ तो इन लोगों को ज्यादा शर्म आ जा रही है, सभी लोग शर्मा रही हैं फोटो खींचने में। यहाँ पे शाम को फिर एक छाटी लगेगी, तो भगवान को जगाया जाएगा। वहाँ पे धुनी में लकड़ियाँ डाली जा रही हैं, तो इसके बाद सभी लोगों ने खाना पीना खा के बैठे पड़े हैं। भगवती
दिखाया था तो सभी देवताओं का नाम लेके देवताओं को जगाया जाता है। तो ऐसा नहीं कि जागरों में जैसे छाटी लगती है, जागर में ऐसा होता है कि रात को ही छाटी लगती है और रात को देवता नाचते हैं, तो इसमें चौरास में ऐसा होता है कि दिन के 3 से 4 बार छाटी लगती है, जहाँ पे हर बार ऐसे ही देवताओं को जगाया जाता है। जैसे मैंने अभी छोटी सी क्लिप दिखाई तो सारे देवताओं का नाम लेके ऐसे ढोली के द्वारा, तो इसे आप ढोली बोल सकते हैं हमारी लैंग्वेज में, पहाड़ी लैंग्वेज में, तो जगाया जाता है। उसके बाद देवता नाचते हैं, तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं। तो देवता नाचने के बाद हमने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं बनाई, कुछ वीडियो तो मैंने बनाई है खुद के देखने के लिए, तो जब कोई लोग बना रहे थे तो देवताओं ने बाद में खुद कहा था कि आप अगर ऐसे दिखाओगे तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है, क्योंकि कई लोग मजाक भी बनाते हैं नाचने वाले की, तो ऐसे कामने वाले की नाचने वाले की मजाक भी बनाते हैं, कोई गलत तरीके से देखता है, कोई अच्छे तरीके से, तो फिर इससे देवताओं की शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए इसकी वीडियो नहीं बनाई, और उन्होंने मना भी किया कि वीडियो मत बनाइए, क्योंकि अगर जिनको देखना होगा वो खुद आ सकते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग भी गए थे देखने के लिए तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छी अच्छी वाइब्स आ रही थी, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत मज़ा आया उस वीडियो, मतलब जितना मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ वो तो कुछ, जितना मैं आपको दिखा रही हूँ वो तो दिन की कुछ ही पल की वीडियो, मतलब 4 से 5 मिनट की, लेकिन जो मैंने पूरी इन्जॉय की, मतलब जो भी मैंने देखी, जो सुकून मिला वो तो मैं ही, मतलब जो वहाँ जाएगा उसे ही पता चलेगा, क्योंकि वीडियो में मैं उतनी चीज़ें नहीं दिखा सकती। तो बस यही है, आप देखिए वीडियो, इन्जॉय कीजिए, तो आगे आगे वीडियो में और भी मज़ा आएगा, अभी 1-2 दिन और बचे हैं, मैं वीडियो बनाते रह रही हूँ, डालते रह रही हूँ, तो आप बस इन्जॉय कीजिए। अभी तो मैं घर में जाके वीडियो बना रही हूँ, एडिट कर रही हूँ, क्योंकि फिलहाल मैं अभी घर आ गई हूँ, लेकिन वीडियो चौरास की आते रहेंगी अभी, क्योंकि मैं 3रे दिन करके डाल दी थी, एडिट नहीं हो पा रही थी वहाँ, क्योंकि वहाँ फ़ोन पकड़ने का तक का टाइम नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ मतलब मन ही नहीं कर रहा था फ़ोन पकड़ने का, एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए बस, बाकी बस अपनी आंखों से ही देखा, और जो सुकून मिला वो तो जिन जो लोग गए वो ही बता सकते हैं, बाकी वीडियो में थोड़ा सा इन्जॉय आप लोग भी कीजिए। अगर वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, आगे भी ऐसे चौरास की वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, भगवान करे आपका समय शुभ हो, टेक केयर एंड बाय बाय।